वेलकम बैक टू मॉम कॉम इंडिया ब्लॉग्स। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ, मुझे वायरल हुआ हुआ है। पहले कबीर को स्टार्ट हुआ था, वो ठीक हो गया, फिर नूर को हुआ। अब जब नूर को वायरल होता है तो उस या कुछ भी सिकनेस होती है तो उसको बस मम्मा चाहिए, और इस टाइम पे उसका ऊपर का दांत भी साथ में आ रहा है, तो दो चीज़ें इकट्ठे हो गई। कबीरा कबीरा, लुक व्हाट हैज कम फॉर यू, कैन यू ओपन एंड शो इट टू मी व्हाट इज। ओके, चलो गाइस, कबीर के बॉटल्स आ गए हैं। ये मैंने दूसरी तीसरी बार मंगाया है, लेकिन ये बॉटल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। ये बॉटल्स के एक्साइटमेंट में भी कबीर नहीं उठ रहा है, बट एक्चुअली ये बॉटल्स बहुत अच्छे हैं, और मैं जब भी मंगाता हूँ यही वाले डिज़ाइंस मंगाता हूँ, क्योंकि ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, कबीर को भी बहुत अच्छा लगता है। बेस्ट जो मुझे लगता है वो है इस बॉटल की पूरी जो लेंथ है, बड़ा बॉटल है ये। कबीर चाहे वो स्कूल में हो या अपने फुटबॉल प्रैक्टिस में हो या बास्केटबॉल प्रैक्टिस में हो, यही बॉटल लेके जाता है। 600 ml की बॉटल है, और ये दो डिज़ाइन में मिलता है इस शेप में। तो एक तो ये है, और दूसरा जो है, एक्चुअली सबसे पहले मैंने यही मंगाया था क्योंकि कबीर का स्पाइडरमैन फेवरेट था, बट पता नहीं पहला बॉटल कबीर ने तोड़ा या हमसे गुम गया, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, बट ये बॉटल है मतलब बेस्ट इन द लॉट। नो दिस वन आई एम सेइंग ना, दिस द फर्स्ट बॉटल यू लॉस्ट इट और यू ब्रोक इट, आई डोंट रिमेम्बर, but this is a fantastic the blue bottle was my first one, then nani got me the dinosaur one, then you bought me the bottle. Yeah, but I'm talking about between these two na, this was the first one that we bought in the field. Me and my school friend were having a water bottle fight and this bottle broke. You were having a water bottle fight in the field of your school and this bottle broke. Yeah. तो गाइज आपने सुन लिया है कि कितना हमारा सुशील और शांत बच्चा है जो वाटर बॉटल फाइट करके उसने बॉटल तोड़ दिया। बट बेसिकली ये बॉटल भी ऐसे खुलता है, पॉप अप करके खुलता है, और यहाँ पे सिप है, 600 ml की बॉटल है ये भी, एंड इट लुक्स फैंटास्टिक, राइट कबीर? पहले फू करो, सो गाइज टुडे आर होम इज इन अ मेस, कम्प्लीट मेस, एंड दैट इज बिकॉज अ बिगर पर्पज हैड टू बी सॉल्व। ये देखो यहाँ पे सारा सामान बाहर पड़ा है। हाय गाइज, वेलकम बैक टू मॉम कॉम इंडिया ब्लॉग्स। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ, मुझे वायरल हुआ हुआ है, तो जब नूर को हो रहा था तब मुझे भी स्टार्ट हो गया था, बट क्या था कि बिल्कुल रेस्ट नहीं मिल रहा था उसको, सिर्फ मैं चाहिए थी, तो उस वजह से मेरा थोड़ा ज़्यादा एग्रीवेट हो गया। वो अब काफ़ी बेटर फील कर रही है, बट मेरा थोड़ा एग्रीवेट हो गया। तो आज जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मुझे हल्का सा फीवर था, बट आई एम श्योर 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा, मैं सारी होम रेमेडीज़ कर रही हूँ। सो दैट्स वन। द सेकेंड थिंग इज़ आज 18th of October है, आज मेरे पापा का बर्थडे होता है, आज वो 62 ईयर्स के हो गए हैं। कल वो यहाँ पे आ गए थे क्योंकि मंडे को उनकी छुट्टी होती है, तो कल शाम को उन्होंने हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, बिकॉज हम ऑब्वियसली आज जा भी नहीं पाते, बट नॉनदलेस उनका लाइफ में मैंने ये देखा है कि अगर बर्थडे उनका वर्किंग डे पे पड़ रहा है तो भी वो पहले काम पे जाएंगे, बिकॉज वो इतना डिसिप्लिन है लाइफ में कि काम पहले, बाकी सब तो होता रहेगा, चलता रहेगा लाइफ में। वो सेलिब्रेट करने का आपको मौका तब मिलेगा जब आप पहले अपना काम करोगे। सो दैट्स हाउ डिसिप्लिन ही इज़। वो सुबह 5:30 बजे उठ के सबको बाय करके चले भी गए। तीसरी चीज़ आज ये हो रही है कि आज कबीर के स्कूल में पेरेंट्स डे था, तो पेरेंट को बेसिकली बच्चे के साथ ही सुबह जाना था और उनके साथ ही वापस आना था, और पूरा दिन स्कूल में ऐसे स्पेंड करना था जैसे बच्चे करते हैं, ताकि आपको एक फीलर मिल सके कि यू नो किस तरीके से बच्चों का दिन जाता है, एंड यू कैन ऑल्सो सी योर चाइल्ड एक्चुअली एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल। आपको पता चल सके कि क्या वर्क ऑन्स हैं या किस चीज़ में बच्चे अच्छा कर रहे हैं। सो सौरभ हैड अ रियली नाइस डे। मैं तो जा नहीं सकती थी वायरल की वजह से और नोट की वजह से भी, बट सौरभ हैड अ रियली नाइस डे, ही इज़ कम बैक वेरी हैप्पी, कबीर इज़ वेरी हैप्पी। बट पीछे से हमने कुछ काम कर लिया, तो मैंने अर्बन कंपनी से किचन एंड फैन क्लीनिंग के लिए किसी को बुला लिया था, तो ऐप के थ्रू मैंने बुकिंग करा दी थी, तो वो आज आए। उससे पहले हमने पूरा किचन खाली कर दिया था, तो उन्होंने आके किचन, चिमनी, सिंक, गैस स्टोव, घर के सारे फैंस ये सब क्लीन किया।
अब इन टर्म्स ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं इसको वैसे तो मतलब मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं अर्बन कंपनी से, बट यू नो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कि कौन आ रहा है करने. यू नो आपके जो हाथ का काम होता है वो फिर आप कैसा करते हो उस पर डिपेंड करता है. तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं था आज का, शायद मैं रेट करूँगी 3.5, बट ठीक है कंसिडरिंग हम लोग इतना बिजी हैं, तबीयत भी ठीक नहीं है और दिवाली बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है. यू नो मतलब हो गई सफाई जो थी, एक किचन अच्छे से सब कुछ निकलवा के क्लीन कराना था वो हो गया. अब बस सब कुछ वापस लगेगा, घर पूरा इस टाइम पे बिखरा पड़ा है, बट या फाइनली ये सब हो गया. अब दिवाली की जो डेकोरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज बाकी घर की सफाई हमने संडे को कर ही दी थी. सो इस तरीके से आप देख सकते हो उनके आने से पहले हमने सब कुछ बाहर निकाल के रख दिया था, और अब क्योंकि सब कुछ क्लीन हो गया है तो इन सब चीज़ों को हम वापस किचन में लगाएंगे. ऐसे देखने में बाहर से तो किचन काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल क्लीनिंग अच्छे से हो गई है. उन सारे जो आप कैबिनेट्स देख रहे हो ऊपर काफ़ी ऑयल के निशान वगैरह हो गए थे, और ये नोर की फेवरेट चीज़ है, ये क्लीनिंग का उठा लेती है और यहाँ बैल्कनी में ऐसे बैठ जाती है और मस्ती करती रहती है, अपने आप से कुछ बातें करती रहती है. देखो छोटी से छोटी चीज़ उसे मिल जाए फ्लोर पे, उसका ध्यान उसी में जाता है. हाँ वो रह गया, ये गंदा रह गया. अरे यार सॉरी नूरो, नो वेज योर नानी, नूर वेज योर नानी, वेज योर नानी, नानी नो वेज योर मम्मा. थैंक यू नूर, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो क्लैप योर हैंड्स, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो क्लैप योर हैंड्स. करना मुंह खोल रही पहले ही. नूरू क्या मस्ती करते हो नानी के साथ? और अभी नूर का बेड टाइम हो गया है, बेड टाइम से पहले वो अपनी बुक्स पढ़ रही है जो उसको बहुत अच्छा लगता है करना. बट आजकल नूर ने नई चीज़ स्टार्ट करी है, वो अपने आप से बातें करती रहती है, पता नहीं क्या बोलती है वो, पर वो बोलती रहती है कुछ कुछ चीज़ों को देख के जैसे कि शी इज़ टॉकिंग टू देम. क्या कर रहे हो नानी के साथ? गाइस आप लोग सब नानी को भी देख सकते हो, नानी के लिए सबने इतनी विशेज दी रिकवरी के लिए. नानी आप कैसा फील कर रहे हो? परफेक्टली ऑल राइट, गुड. नानी के सारे स्टिचेस खुल गए हैं, नानी काफी अच्छा रिकवर कर रही है. At the wrong place at the right time, 'cause suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. Dekhna abhi sare pigeons ud jayenge. One. Where are pigeons, Noor? Pigeons? Show dad the pigeons. Pigeons, wow. Noor bilkul mesmerized hai, itne pigeons hai wahan pe. Noor kaise abhi dekho abhi udenge. Bula do. Gutur gutur. When you took my hand, said let's leave now. Don't wanna be shy. Hey guys, so हम लोग आए हुए हैं मॉल दिवाली की कुछ शॉपिंग करने. आज वैसे तो थर्सडे है तो हम लोग थोड़ा सा पहले आ गए थे, फिर सौरभ कबीर को स्कूल से पिक करके उसको भी ले आए हैं. बट मुझे लग रहा है हमने गलत दिन चूज़ कर लिया, बिकॉज हमें लगा था वीकडे पे रश नहीं होगा, बट यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा रश है होम सेंटर में, हर कोई दिवाली की शॉपिंग के लिए निकला हुआ है. सो बहुत सारी चीज़ें हमें घर के लिए लेनी थी जो हमें नहीं मिली, गिफ्ट्स लेने थे वो भी नहीं मिले. सो पता नहीं क्या होगा बिकॉज टाइम बहुत ही कम रह गया है. सो या लेट्स सी. नूर को देखो, नूर को होम सेंटर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे आके ये बेड पे आराम से खेलती रहती है. ये एक आर्टिफिशियल कोई लैपटॉप है जिससे ये खेल रही है. यू वांट टू रिमूव योर शूज? सो होम सेंटर में थोड़ा इजी ये रहता है कि यहाँ पे बेड वगैरह है तो बच्चे आराम से यहाँ पे बैठ के खेलते रह सकते हैं. बिकॉज मॉल आओ तो नूर को नीचे उतरना होता है, उसको प्रैम में नहीं घूमना.
ये देखो उसकी मस्ती अलग ही चल रही है। ऐसे होता है ना दिवाली के टाइम आप होम सेंटर आओ, इतनी ब्यूटीफुल चीजें होती हैं कि आपको लगता है सब कुछ ले लो यार, ये हर चीज आपके पास होनी चाहिए। बट ऑब्वियसली बजट कंस्ट्रेंट्स होते हैं और कई बार आपको नीड भी चीज़ों की नहीं होती है, तो आपको ऐसे लगता है नहीं यार पैसे वेस्ट करके क्या फ़ायदा होगा, जो बजट बनाया है उसके हिसाब से लो। तो हमारे साथ तो ऐसा होता है कि हम हर दिवाली अपना एक बजट बनाते हैं सब चीज़ों को इंक्लूड करके कि यू नो गिफ्ट्स का क्या रहेगा, डेकोरेशन का क्या रहेगा, खाने पीने का क्या रहेगा, अगर पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे तो क्या रहेगा, और उस बजट को हम एक्सीड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करें, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप वो करो तो बाकी के बजट सिल जाते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आप भी आर यू ऑल्सो समवन जो बजट करके चीज़ें करते हैं स्पेशली दिवाली के टाइम पे। सो या मतलब चाहे बजट कम हो चाहे ज़्यादा हो वो फ़र्क नहीं पड़ता, बट यू लाइक टू बजट थिंग्स।